गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास को रॉसेस लॉ पे डिस्कशन चल रहा था। हाँ, लगभग सबको क्लियर भी हो गया था, बट फिर भी हम उसको एक बार फिर से बताएंगे ताकि जिसको थोड़ी बहुत डाउट रह गई हो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो देखिए, कॉल रॉसेस लॉ के लिए सबसे पहली कंडीशन, इट इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन केस। ये कब वैलिड है? जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे होंगे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर हम ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ की बात करें तो वो क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो भी किसकी तरह काम कर रहा होता है? यस, एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंस की बात करें तो सबको पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हम उन्हें कहते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, यानी वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। उनकी अल्फा की वैल्यू, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती, उससे कम होती है, राइट? जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होने के बाद कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, टोटली, यानी कि उनके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, राइट? तो जब भी हम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करते हैं तो चाहे फिर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट करिए या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट करिए, दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, यानी कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। तो कॉल रॉसेस ने ये बात कही कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट का हो, इसकी जो कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, यस वेरी गुड, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं उसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी वैल्यू, इसमें जितने भी आयन्स हैं, इसमें जितने भी आयन्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन के सम के बराबर होगी। मान लीजिए ये जो सॉल्यूशन है वो ए बी टाइप सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें ए प्लस आयन है और बी माइनस आयन है, तो उस केस में आप क्या कह सकते हैं, इसको हम रब कर लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए बी, ये जो ए बी टाइप का सॉल्यूशन है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो दो आयन्स हैं इनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स इट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन या ए प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी माइनस, दैट इज एन आयन। हाँ, तो कुल रॉसेस ने ये चीज़ कही कि अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन में बात करते हैं तो चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट आप स्ट्रांगली हो या वीक, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहे होंगे। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जो वीक थे वो भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहे होंगे, यानी कि वाटर में सोल्यूबल होने के बाद वो कम्प्लीटली आयनाइज हो चुके होंगे, 100% डिसोसिएशन हो जाता है, राइट? ये सब बातें हो गई थी। अब उन्होंने कहा क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सब कुछ 100% डिसोसिएट हो गया है, तो उस केस में जो भी सॉल्यूशन होगी उस सॉल्यूशन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसमें जितने भी आयन्स हैं उनके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। यही है कॉल रॉसेस लॉ, क्लियर है? चलिए, तो देखिए ये थ्योरी पार्ट जो भी है इसका कल एक्सप्लेन हो गया था आपको। हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किसके लिए वैलिड है? दिस इज वैलिड फॉर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो, ठीक है? उसके बाद हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डिफरेंस देखा था, और कुछ डिफरेंस ऐसे थे जो कि मेजर थे और हमने कहा था कि आप उनको ध्यान रखेंगे। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार पहले भी बात हो चुकी है, एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए, मान लीजिए आप BCl2 ले लीजिए, बेरिलियम क्लोराइड, तो आप लिखेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरिलियम है सो Be2+, राइट, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। अब देखिए Cl- कितने हैं, दो है क्लोरीन के एटम्स,
अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके अब आप बेरिलियम 2 प्लस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रख देंगे, क्लोरीन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू रख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो इस सॉल्यूशन के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होती है। जबकि हमने सीखा अगर हम यहीं पर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरिलियम क्लोराइड लिखना चाहें, यस, सो हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरिलियम 2 प्लस प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। यानी कि हम जब यहाँ पे डिफाइन करते हैं लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो उस केस में ये जो कोफिशियंट है 2, 3, 4 जो भी कोफिशियंट होगा हम उसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंस डिफाइन करते हैं तो वहाँ इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हम मोल्स डिफाइन करते हैं देन दीज नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। इसीलिए जब हम मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन किए वो तो मोल्स पर डिपेंडेंट होता है, तो हमें इस 2 को लिखना पड़ा, जबकि जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिखाएं तो हम उस नंबर को हटा दें क्योंकि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी का ध्यान रखेंगे। चलिए इसी से रिलेटेड आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया था, आइए हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस एंड सल्फेट 2 माइनस आर गिवन एक्स एंड वाई, यानी कि आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन इज गिवन एज एक्स एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट 2 माइनस इज गिवन एज वाई, ये आपको पहले से दिया हुआ है, राइट। हमसे क्या पूछा जा रहा है, देन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, हाँ हमसे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट पूछा जा रहा है, राइट, Al2SO4 थ्राइस। बताइए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट 2 माइनस। अब आपको मुझे इतना बताना है, क्या मुझे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 लिखने की ज़रूरत है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी नहीं, हम कौन सा कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करते तो मुझे ये जो 2 और 3 है इनको यहाँ लिखना पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन कर रहे हैं, तो मुझे ना इस 2 से फ़र्क पड़ता है और ना ही इसके 3 से, हमें कुछ नहीं लिखना। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपके माइंड में आएगा, सर आपने क्वेश्चन में हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो दिया ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने आपको कल एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया था, सिखाने को तो हम उससे पीछे वाले लेक्चर में ही सिखा दिए थे, बट हमने कल कहा था इस फॉर्मूले का आपको ज़रूर यूज करना पड़ेगा, राइट। हमने देखा था कि जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर के इक्वल आता है, ये लेक्चर नंबर 16 में भी समझाया गया था, वहाँ पे हमने बताया था कि जो लिमिटिंग नहीं वहाँ पर हमने सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी की बात की थी, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर के इक्वल होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई एन फैक्टर के इक्वल होती है। ये हमने लेक्चर नंबर 16 में समझा भी था, पूरा डिराइव भी किया था। लेक्चर नंबर 17 में हमने आपको ये रिलेशन दिया भी था कि आपको इस रिलेशन का यूज करना पड़ सकता है। देखिए हम इसी रिलेशन से यूज करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, कैसे देखिए, मुझे लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ पहले क्या चाहिए, एल्यूमिनियम 3 प्लस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। एल्यूमिनियम 3 प्लस पे चार्ज कितना है, वेरी गुड, कितना 3, तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 3। क्या आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस पता है क्या, देखिए कितना दिया है एक्स, हम क्या लिख देंगे एक्स अपॉन 3। इसी तरह
इसी तरह जब आप क्या निकालेंगे, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन जो कि कितना दिया गया है, y अपॉन n फैक्टर। सल्फेट आयन पे अगर आप देखेंगे तो उस पर कितना चार्ज है, 2 माइनस, यानी कि n फैक्टर कितना उसका, 2, यानी कि वो कितना आ गया, y बाई 2। हमें मिल गया दोनों का लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इनको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसकी वैल्यू आई कितनी, x अपॉन 3 प्लस इसकी वैल्यू अभी कितनी आई, y अपॉन 2 आ गया आंसर। यही था हमारा आंसर। एक्चुअली यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिया गया, कई बार आपको क्वेश्चन में यहाँ पे कोई x और y की वैल्यू दे देगा और आपसे उसकी वैल्यू निकलवा लेगा, तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये होगा इसका आंसर, कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। हाँ, ये जो कोलरॉस लॉ है इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज कैसे करेंगे ये ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो इसके दो एप्लीकेशन हमें पढ़ने हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला, आपको अगर याद होगा तो हमने कहा था कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्सपेरिमेंटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं, याद आया? हाँ, क्यों? क्योंकि जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं तो उस केस पे, उस केस में अभी भी, हाँ ये बात और है कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट होकर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन अभी भी उनके आयन्स के बीच इंट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन फोर्स होता है, कम होता है लेकिन होता है। यानी कि हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन नहीं कर सकते। फिर हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ का नेचर भी हमने देखा था, तो वो ग्राफ इधर जाके ये वाई एक्सिस जिसमें कि हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी थी, उस एक्सिस को कहीं भी टच नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, कोलरॉस लॉ के यूज करके हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं ज़्यादा आसान रहेगा। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। बताइए एसिटिक एसिड कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वीक एसिड होती है। विद द गिवन डिटेल्स, हमें ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या दिया है, इट इज गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, अगेन इट इज गिवेन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONa, सोडियम एसिटेट, एंड नेक्स्ट इट इज गिवेन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। सबकी वैल्यू आपको दी गई है, देखिए कितना दिया है, 200, 150 एंड 300। इट इज गिवन 200 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सॉरी इट इज गिवन 150 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड दिस वन इज गिवन 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उन्होंने कहा, किसने, कोलरॉस ने, कोलरॉस ने कहा कि अगर आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंटली तो आप नहीं कर सकते। हाँ, एक और तरीका है, उसमें क्या करना होगा, आपको कोई भी दो अलग अलग सॉल्यूशन लेना होगा जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको पहले से दी गई रहेगी, और आप उनकी हेल्प से तीसरे की जो कि आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए देखिए, मेरे क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है, दैट इज आई हैव टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ देखिए, अब मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पता है, हम उनका यूज करेंगे।
राइट किसका यूज करने जा रहे हैं हम, ओस्टवाल्ड्स का डाइल्यूशन लॉ। क्या कहता है बताइए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज गिवेन 200 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। राइट, अब देखिए डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होता है। राइट, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो NaCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा, यस दैट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। लिख सकते हैं क्या कि NaCl किससे बना होगा, Na और Cl माइनस से, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये वैल्यू वैसे ही कॉपी कर लेंगे, हमने बना दिया इसको इक्वेशन नंबर वन। बात सुनना आई आपको? अब ऐसे ही देखिए हम सोडियम एसीटेट को क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, वी कैन राइट डाउन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां लिखते हैं ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, 150 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज इक्वेशन नंबर टू। इसी तरह से हम तीसरा जो HCl दिया है यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, वी कैन राइट डाउन हियर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एंड दैट इज गिवेन एज 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। राइट, यहाँ तक तो लिख ही सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल सी बात ही, ये हमने कहाँ से लिखा, ड्यू टू द लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। अब देखिए हमें क्या चाहिए, व्हाट आई नीड इज एसिटिक एसिड। राइट, अच्छा एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगा, वेरी गुड, दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयन। यानी कि मुझे अगर H प्लस आयन और एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो जाए तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को ऐड करके। यानी कि मेरा टारगेट क्या है, एसीटेट आयन और H प्लस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालना है। देखिए जो डिटेल्स दी गई हैं हम उन्हीं से कैलकुलेट करेंगे। राइट, अब देखिए यहाँ से देखिए Na प्लस, अब हम क्या करते हैं ना, इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इक्वेशन नंबर वन और टू को ऐड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, Na प्लस Na प्लस, 2Na प्लस मिल जाएगा, मुझे Na प्लस नहीं चाहिए। देखिए मुझे क्या क्या चाहिए, CH3CO माइनस चाहिए और H प्लस चाहिए, मुझे Na प्लस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे वन और टू को माइनस कर दें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम वन, हम वन से सेकेंड को माइनस करेंगे। राइट, तो देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, दिस माइनस दिस। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन है, यस दिस इज एसीटेट आयन। ये तो बचा LHS में, RHS में देखिए क्या बचेगा, 200 माइनस 150 कर देंगे कितना बचा, 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अभी इक्वेशन नंबर थ्री बचा है, इक्वेशन नंबर थ्री क्या है, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एंड दैट इज 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। राइट, अब देखिए मुझे ओवरऑल क्या चाहिए,
मुझे तो एसीटेट आयन चाहिए और H प्लस आयन चाहिए। तो देखिए यहाँ से एसीटेट आयन है जो कि मुझे चाहिए और मुझे H प्लस आयन भी चाहिए, तब हमें क्या करना होगा बताइए। मुझे ये Cl माइनस नहीं चाहिए, तब हम क्या लिखते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये इसको नया इक्वेशन बना लीजिए, लेट्स सी इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि तीन इक्वेशन पहले ही हो गई थी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। क्योंकि मुझे Cl माइनस नहीं चाहिए तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन नेक्स्ट पेज कर लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3। अब हम 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ से क्या बचा, राइट, ये तो बचा माइनस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3CO माइनस, आप लिख लेंगे माइनस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस। और देखिए यहाँ पे H प्लस है, माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, दैट इज इक्वल टू, देखिए RHS में क्या बचेगा, 50 माइनस 300 सॉल्व करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल बचेगा ना, माइनस माइनस माइनस। हम क्या करते हैं, सारे माइनस को कॉमन करके कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस गया, ये माइनस गया, ये माइनस गया, तो क्या बचा यहाँ पर, देखिएगा दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन एंड दैट इज इक्वल टू 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। देखिए एसीटेट आयन और H प्लस आयन को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटिक एसिड बन जाएगा, क्या सिंगल माइनस सिंगल प्लस ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा CH3COH, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से देखिए मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कोलरोस ने ये पहली एप्लीकेशन में यही बताया कि आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम दी गई वैल्यूज के डिटेल्स को आगे पीछे करके ओसवाल्ड डाइल्यूशन लगा के हम वहाँ से किसी की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। आइए आंसर चेक कर लीजिए, सो आंसर यस दिस इज आंसर दैट इज 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको समझ में आया अभी करना क्या होता है इसमें, हाँ आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चन के हिसाब से आपको इलेक्ट्रोलाइट्स दे देंगे और उसका आपको लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दे देगा, और आपसे कोई एक नए कंपाउंड का लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी आपसे पूछ लेगा, तो उस केस में पहले आप देखिए कि आपको किसकी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकालनी है, जिसको निकालनी है आप देखिए कि उसके लिए किस किस आयंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। फिर जो दिया है उस पर ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएं, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Ac माइनस, यहाँ पर आपको देखना होगा ये जो Ac है ना, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन, जिसको हम CH3COO माइनस भी लिखते हैं, तो वो आपको Ac माइनस में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार आपको Ac माइनस लिखा हुआ भी देखने को मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर Ac लिख के दे दिया है, कैपिटल A स्मॉल C, जिसका मतलब है एसीटेट, राइट। तो आपको देखना होगा आपको क्या क्या चाहिए, जो चाहिए उनको रखते रहिए, जो नहीं चाहिए उनको सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट करते चलिए, और इस तरह से लास्ट में आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन वीक इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू मिल जाएगी, कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, राइट। इसका आंसर कितना आएगा, 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक चीज और, आपके बुक में कई बार आपको ये ई नॉट एम लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इसका मतलब भी यही दिया है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है, राइट।
तो अगर आपको लैम्डा नॉट एम, लैम्डा इंफिनिटी एम या ई नॉट एम या ई इंफिनिटी एम भी है, तो सबकी मतलब एक ही होती है, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आइए इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। हाँ, सेकेंड एप्लीकेशन में क्योंकि अब हमें किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने आ गया है, तो अब हम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? यस, वेरी गुड, दैट इज अल्फा। क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का अब मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन कर सकता हूँ, तो अब मुझे उसकी आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट या अल्फा यानी कि डिग्री डिसोसिएशन की वैल्यू भी कैलकुलेट करने आनी चाहिए। यही है इसका सेकेंड एप्लीकेशन, कोलरोसिस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन यही है। देखिए क्या कहता है ये, देखिए कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट ली गई है यहाँ पर, ए बी इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हाँ कंसंट्रेशन जिसकी कम हो, यानी कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की गई है। अब किसी भी टाइम टी पे या स्टार्टिंग टाइम पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, तो मेरे ये जो ए बी इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? सी। अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ था तो इनकी और इनकी कंसंट्रेशन क्या थी? जीरो। क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन जीरो था, तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी भी क्या रही होगी? जीरो रही होगी, होगी ना। चलिए अब देखिए, किसी टाइम टी पे अब ये क्या हुआ, अल्फा डिग्री डिसोसिएट हो गया, तो सी का अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि कितना डिसोसिएट हुआ? सी अल्फा डिसोसिएट हो गया सी में से, तो कितना बचेगा? सी माइनस सी अल्फा बचेगा। देखिए सी तो पहले से उसकी कंसंट्रेशन थी, जिसमें से सी अल्फा वो टूट गया, तो कितना बचा? जितना था उसमें से जितना टूट गया उसको माइनस करना पड़ेगा, तो कितना था? सी। कितना टूट गया? सी अल्फा, हमने उसको माइनस कर दिया, तो अब कितना बचा होगा? सी माइनस सी अल्फा। ये पिछले लेक्चर में भी किए थे, सॉल्यूशन चैप्टर में भी किए थे, तो आपको लगभग आइडिया हो गया होगा, याद भी हो गया होगा। अब क्योंकि ये सी अल्फा टूटा, तो ए प्लस भी सी अल्फा बना होगा और बी माइनस भी कितना बन गया होगा? सी अल्फा, राइट। उस केस पे इसकी कुछ ना कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा एम से। ध्यान रही है क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, दिस इज ओनली मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कब मिलती है? जब ये 100% आयनाइज होगा, यानी कि ये जो सी माइनस सी अल्फा बचा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। और ये क्या होगा? कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। अब देखिए, अब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट किसी तरह काम करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। किसके लॉ के अकॉर्डिंग ये काम करता है? दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ओस्टवाल डाइल्यूशन, ठीक है। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे, तो ये के जितनी भी कंसंट्रेशन रही होगी सब टूट गया, यानी सी थी पूरा सी टूट गया, तो क्या बचा? सी माइनस सी यानी कि जीरो, राइट। क्योंकि ये सी टूटा तो ये कितना बना होगा? सी। यहाँ पे सी अल्फा टूटा था तो सी अल्फा बना था, यहाँ सी टूटा तो ये भी सी बनेगा और ये भी सी बनेगा। अब बताइए क्या इनकी कंसंट्रेशन सी से ज़्यादा हो सकती है क्या? यानी कि जितनी कंसंट्रेशन ए बी की थी ये पूरा टूट गया, तो इनकी भी कंसंट्रेशन उतनी हो गई, क्या इससे भी ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो बताइए यहाँ जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी हो गई? हाँ, दैट इज गोइंग टू बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये कुछ नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आपको पहले से ही पता है जब कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज हो जाता है, 100% डिसोसिएट हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? दैट इज बिकम्स इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए उन्होंने क्या कहा सेकेंड एप्लीकेशन में, कि अगर आपको किसी भी चीज की अल्फा कैलकुलेट करना है, हाँ किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैलकुलेट करना है, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। किन दोनों को? इन दोनों को, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को अगर उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से आप डिवाइड कर दें, तो आपको क्या मिल जाता है? उसकी अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल जाएगा। उन्होंने यही चीज़ कही कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी,
किसी भी कंसंट्रेशन सी पे आपकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी है आप उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वही अल्फा की वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे करेंगे, देखिए कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल ही सकते हैं, फॉर्मूला आपने सीख रखा है क्या होता है, वेरी गुड, के इंटू 1000 अपॉन एम, कब, जब मुझे मोलर कंडक्टिविटी किसमें चाहिए होता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी तरह से अगर मुझे सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल में चाहिए तो ये 1000 मेरा ऊपर ना होके कहाँ रहेगा, नीचे, यानी कि मैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, ये मोलर कंडक्टिविटी है चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक, यानी कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकाला जा सकता है, मैं निकाल लूँगा। अब क्योंकि मैंने कोलरॉस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन सीख ली है तो मुझे ये भी पता है कि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं ना, हाँ। तो अब क्या करिए, मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी डैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो वैल्यू अल्फा की होती है जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं, यानी कि आपको अल्फा की एक वैल्यू मिल गई या फॉर्मूला मिल गया उसे क्या कहेंगे हम, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अल्फा की वैल्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे, अच्छा देखिए मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बनाना है राइट, तो देखिए इक्विवेलेंट ओके करना क्या है आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर, ये एन फैक्टर ऊपर जाएगा एन फैक्टर नीचे आएगा और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्या ये वैल्यू इसी के इक्वल आ रही है क्या, हाँ। तो अब चाहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दीजिए या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपके माइंड में कभी भी ये नहीं आना चाहिए कि सर हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते क्या, अब देखिए ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सॉरी इसको आप मोलर कंडक्टिविटी कर लीजिए, आप बताइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, अगर मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू 250 है, इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 250, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी रही होगी वो 250 रही होगी, उससे कम या उससे ज़्यादा, हाँ उससे हमेशा कम, मान लीजिए कितना था 200, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू 1 से प्लस में आएगी, और मुझे पता है कभी भी अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई भी चीज़ कितना टूटेगा, पूरा टूट सकता है, पूरा टूटने का मतलब 100% और 100% का मतलब कितना होता है 1, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपकी अल्फा की वैल्यू कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती, इसीलिए ये रिलेशन तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। कुछ नहीं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप सब सुनिए समझिए और भूल जाइए, जो आपको याद रखना है बस उतनी सी बात है कि कोलरॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन ये कहता है आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको डाइल्यूशन लॉ का यूज करना पड़ेगा और आपको 3-4 इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको दिया गया रहेगा। दूसरा, क्योंकि अब आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना सीख लिए हैं तो आप उसकी अल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बस करना क्या है आपको उसकी मोलर कंडक्टिविटी को उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर देना है या उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को उसके लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा की इक्वल होगी। बात समझ में आ गई होगी, चले आइए अब हम इसको यूज करना सिखाते हैं आपको। देखिए क्या दिया है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है हमें मोलर कंडक्टिविटी दिया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अच्छा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दिया है इसका मतलब
ये मोलर कंडक्टिविटी हुआ या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? यस दैट इज गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. कितना दिया है? एसीटेट आयन का दिया है, HCl का दिया और NaCl का दिया. चलिए लिख लेते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन. हम इसको क्या लिख ले, ऐसे लिख सकते हैं एसीटेट है कि सोडियम एसीटेट है? सोडियम एसीटेट है. ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, सोडियम एसीटेट को ब्रेक करेंगे तो ऐसे ही टूटेगा. हमने यहीं पर डाइल्यूशन लॉ को लगा लिया. दूसरा HCl का दिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस. और देखिए क्या दिया है, NaCl दिया है. तो NaCl टूट के क्या देगा हमें? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस. सारी वैल्यू दी हुई है, आप उठा के रख लीजिए. देखिए कितना दिया है, 91.6 425. और देखिए कितना दिया है, 128.1. ये हमें दिया हुआ है, राइट. अगर आपको अल्फा की वैल्यू भी दिया हुआ, देखिए इफ अल्फा ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, यानी कि आपको मोलैरिटी भी दिया हुआ है 0.1 और उस एसिटिक एसिड की आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा की वैल्यू भी दिया हुआ है. कितना दिया है देखिए, 0.001 और देखिए क्या दिया है, राइट. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, यानी कि गिवन सॉल्यूशंस में से कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं. इज आर का मतलब एक भी ऑप्शन इसमें सही हो सकता है या हो सकता है इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हों. तो देखिए हमने किया क्या है इसमें, सब में अच्छा सबका मोलर कंडक्टिविटी निकाला गया है, कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है. फिलहाल ये सब किसके लिए है, एसिटिक एसिड के लिए है. किधर गया, हाँ. तो हमें पहले तो एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़ेगा, यानी कि बताइए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है. फटाफट बताइए निकाल सकते हैं आप? ठीक है, वीडियो पॉज करिए, आप खुद से निकाल लीजिए. चलिए आपने निकाल लिया होगा. देखिए एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे मिलेगी, CH3COOH- और हम चाहें तो इसको यहाँ लिख ही लेते हैं CH3COOH- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, इनके इक्वल होगी. यानी कि मुझे CH3COOH- चाहिए और H प्लस चाहिए. अब बताइए अगर मैं Na प्लस H प्लस Cl माइनस, यानी कि इनको ऐड करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है. अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो बताइए क्या आएगा, दिस विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH- प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस. ये वैल्यूज आ जाएंगी और क्योंकि आप दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो इन्हें भी ऐड करना पड़ेगा. देखिए कितना होगा, 0.6516, राइट, 2911 एंड 415. ये वैल्यू आ जाएगी 516.6. अब क्या करिए, देखिए CH3COOH- मिल गया आपको और क्या चाहिए आपको, H प्लस चाहिए. अच्छा H प्लस भी मिल गया आपको, ये और ये, देखिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए यहीं पे. ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ये और ये गायब हो गए. अभी क्या बचा आपके पास, हम इसको न्यू पेज पे लिखते, रुकिए. यानी कि अब तक मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH मिल गया प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और Cl माइनस मिल गया. Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है,
516.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक इक्वेशन अभी बचा है, उसको भी यूज कर लेते हैं। हाँ, उसमें क्या है, Na प्लस और Cl माइनस का वैल्यू दिया आपको, दैट इज गिवन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एंड दैट इज गिवन 121.1। देखिए इतना ही दिया है ना, सॉरी 128.1। बताइए मुझे तो क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड चाहिए, राइट? तो क्या करना होगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 6 - 1 - 5, 6 - 5 - 1, 11 - 2 - 9, 4 - 1 - 3, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 391 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया क्या? तो देखिए पहले ये ऑप्शन दिया है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू कितनी आ रही है, 388.5। कहीं हम लोग गड़बड़ नहीं किए? एक मिनट, आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 91.6 दिया है, ठीक है, 425 दिया है और 128.1 दिया है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, सो 6, 516, 9211 एंड 415, 516.6 में 128 - 1 कर लेंगे, सॉरी ये 128 है ना, तो 16 - 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, ये भी 8 आएगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है, 388.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, लेकिन आप इसको यही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब भी आपको ईज आर लिख के दे देगा तो आपको बाकी वैल्यूज भी चेक करनी होंगी। करिए, अब मुझे क्या चाहिए, एक तो मोलर कंडक्टिविटी चाहिए और दूसरा कंडक्टिविटी चाहिए। तो पहले हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इन सब की तो कोई ज़रूरत है नहीं, इनको इरेज करते हैं। अभी आपने कोलरॉस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन सीखा था, क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अल्फा की वैल्यू आपको पहले से मालूम है, दैट इज 0.001, ये आपको कैलकुलेट करना है और ये अभी आपने कैलकुलेट किया है, दैट वॉज 388.1, राइट? इतना ही आया था ना, सॉरी 388.5। अब क्या करिए, आपको लिमिटिंग सॉरी मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी कितना आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 388.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.001। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सारा नंबर सेम आएगा, डेसिमल पार्ट देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3885 मोलर कंडक्टिविटी है, यानी कि यूनिट ये भी वही रहेगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए दिया है क्या, 0.3885 मोलर कंडक्टिविटी इज, ये 3.9 तो बिल्कुल गलत है, ये देखिए कितना दिया है, 0.39 और हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 0.3885, तो ये सही है, हाँ ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि सही है। अब मुझे कंडक्टिविटी निकालना है, चलिए कोई नहीं निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। अरे कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू क्या होती है, एक तो फॉर्मूला आप जानते हैं GL/A, उसके लिए या तो आपको सेल कांस्टेंट दिया हो या तो L और A दिया हो और G दिया हो, ये सारी डिटेल्स तो दी नहीं गई हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मुझे कोई और रिलेशन पता है क्या जिसमें कंडक्टिविटी कप्पा का यूज होता हो, वेरी गुड, लैम्डा M, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मुझे पता है, क्योंकि आपका लैम्डा M जो आपने अभी निकाला है वो किसमें है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, K × 1000/molarity। तो देखिए लैम्डा एम की वैल्यू अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था, 0.3885,
के की वैल्यू मुझे निकालनी है इन 2000 अपॉन मोलैरिटी की वैल्यू दिया है 0.1 दिया ना, एक बार चेक कर ले। हाँ मोलैरिटी 0.1 दिया है, राइट। तो बस करना क्या है, आप इनको मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ये वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, एक काम करते हैं ना, आप इसको ऐसे लिखे साइंटिफिक नोटेशन में, ये हो जाएगा 3.885 इंटू 10^-1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10^-2 अपॉन कितना है 1000 यानी कि 10^3। ये ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 10^-5 यानी कि आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 3.885 इंटू 10^-5 कंडक्टिविटी है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, वेरी गुड, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, कंडक्टिविटी के 3.885 इंटू 10^-5 सही है, यानी कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सी डी तीनों सही हैं, बस ऑप्शन नंबर ए क्या था, गलत था। समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए ये सब कुछ यहाँ पे ये पता है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका होमवर्क, आप इसे खुद ट्राई करेंगे। राइट ये देखिए आपको हिंट दे रखा है, आयनाइजेशन कांस्टेंट के, इसको बोलता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, कई बार आपको के आई भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी फॉर्मूला क्या बनती है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1-अल्फा। ये पीछे जब हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा रहे थे वहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट भी किया था, फिर हमने वहाँ पे मान लिया था कि अल्फा की वैल्यू क्या है, काफ़ी छोटी है। तो ये चीज़ आपको पहले से ही याद है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपने इसको यूज किया है। अगर भूल गए थे तभी लेक्चर नंबर 17 में भी ये वैल्यू हम वहाँ कैलकुलेट करके दिखाए हैं, राइट। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको वैल्यू आपकी मिल जाएगी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे सॉल्व हो जाएगा, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम आपको बता देते हैं। हाँ ये होमवर्क नहीं है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट, अभी जो हमने आपको कहा था कैलकुलेट करने के लिए के आई, वही मुझे भी कैलकुलेट करना है। एंड आयनिक प्रोडक्ट, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देखिए आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जब भी आप आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं हम उसको के डब्ल्यू लिखते हैं, राइट। और ये कैसे निकालते हैं, हम कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, आपको ये याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस। अब क्योंकि वाटर है तो वाटर के लिए एच प्लस का कंसंट्रेशन मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है अल्फा, तो ये सी माइनस सी अल्फा होगा, ये कितना हो जाएगा सी अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा सी अल्फा। तो आप वहाँ से कैलकुलेट करेंगे के डब्ल्यू की वैल्यू, तो इसका कंसंट्रेशन सी अल्फा मल्टीप्लाइड बाई इसका कंसंट्रेशन भी सी अल्फा, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यानी कि अगर आपसे आयनिक प्रोडक्ट पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस का कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आप सी स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर का प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, हमें ये कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, इन डिटेल्स की हेल्प से मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट और आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए पहले हम इन सब चीज़ों को लिख लेते हैं, क्या कहते हैं, हमें KH2O पता है यानी कि कंडक्टिविटी मुझे पता है कितना है 5.8 इंटू 10^-8 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। हमें H प्लस पता है OH माइनस। अच्छा देखिए क्या हम यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, हाँ देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर किससे मिलता है H प्लस और OH माइनस से,
तो देखिए हमें H+ का पता है, OH का माइनस का भी पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH-. तो देखिए ये वैल्यू आपको दिया गया है कितना 350, और OH- का भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको दिया है कितना 198। इसको सॉल्व करिए तो देखिए कितना हो जाएगा 548। हाँ, दिस इज गोइंग टू बी 548 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर पता है, दैट इज 548 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, राइट। और मुझे इसकी मोलैरिटी भी दिया गया है, वैसे मोलैरिटी तो आपको याद भी रखना होगा, राइट। कई बार आपको क्वेश्चन में दे देगा, कई बार मोलैरिटी आपको नहीं देगा, तो आपको याद रखना है मोलैरिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 55.5 मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी ऑफ वाटर आपको दिया है दैट इज 55.5 मोलर या मोल पर लीटर, जो भी आपको सही लिखे आप लिख सकते हैं, राइट। हमें क्या निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट के आई एंड सेकेंड वी नीड टू कैलकुलेट के डब्ल्यू, दैट इज सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, एंड के आई का फॉर्मूला, वेरी गुड, दैट इज सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, यही होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हम के आई निकालते हैं। सो के आई निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, सी चाहिए, कंसंट्रेशन पता है, मुझे अल्फा चाहिए, राइट। पहले हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, अल्फा क्या होता है, वेरी गुड, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, लैम्डा एम दिया है नहीं, ये तो और गड़बड़ हो गया, कोई नहीं, चलिए पहले अब लैम्डा एम निकालिए, लैम्डा एम का फॉर्मूला बोलिए फटाफट, हाँ वेरी गुड, के इंटू 1000 अपॉन एम, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। के मुझे पता है 5.8 इंटू 10^-8 इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी पता है 55.5। आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, देखिए डेसिमल से डेसिमल उड़ा दीजिए चाहे तो, या इस डेसिमल को उठाएंगे तो 10 नीचे आएगा, इसको उठाएंगे तो 10 ऊपर, वो कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा 58 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10^-5 अपॉन 555। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 58/555, दैट इज गोइंग टू बी 0.104 इंटू 10^-5। अभी हम क्या करते हैं, डेसिमल को उठा के यहाँ कर लेते हैं, यानी कि 1.04 इंटू 10^-6, और क्या ये मोलर कंडक्टिविटी है, तो यूनिट क्या आएगी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए ये लैम्डा एम की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं, सो दिस विल बी 1.04, हाँ अल्फा की वैल्यू ना, 1.04 इंटू 10^-6 डिवाइडेड बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है, दैट इज 548। इसको कैलकुलेट करिए, देखिए सो दिस इज 1.04 डिवाइडेड बाई 548, दैट इज गोइंग टू बी 0.0018 इंटू 10^-6। इसको साइंटिफिक नोटेशन कन्वर्ट करिए, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10^123 डिग्री जा रहा है, यानी कि -9 अल्फा है ना, हाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब देखिए ये वैल्यू छोटी है कि काफ़ी छोटी है, हाँ 10^-9 का ऑर्डर है। अगर आप इसको एक्चुअल लिख के देखना चाहें, अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो ये वैल्यू ऐसी बनेगी 0. कितना है -9, यानी 0000000 ऐसे,
इतने 80 लगेंगे तब जाके आपका नंबर आएगा। तो बताइए ये नंबर छोटा है कि बहुत ज़्यादा छोटा है? हाँ बहुत ज़्यादा छोटा है ना, यानी कि हम अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू दैट इज़ वेरी 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 लेस देन वन है, तो हम वन माइनस अल्फ़ा में को हम क्या लिख सकते हैं, लगभग वन लिख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा को हम इग्नोर कर सकते हैं। हम अल्फ़ा को इग्नोर कर सकते हैं, अल्फ़ा के स्क्वायर को नहीं, हम अल्फ़ा को इग्नोर कर देंगे। यानी कि मेरा जो फॉर्मूला था वो क्या है, के आई इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फ़ा, इसमें से हम अल्फ़ा इग्नोर कर देंगे तो मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन वन, वन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि सी इंटू अल्फ़ा स्क्वायर। सी की वैल्यू मुझे पता है दैट इज़ 55.5, अल्फ़ा का स्क्वायर, तो देखिए अल्फ़ा का स्क्वायर यानी कि 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55.5 इंटू 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 344, 18 जा 64, राइट 14 एंड सॉरी 324, यानी कि ये वैल्यू आएगी 3.24 इंटू स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि सॉरी पावर का पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, दैट इज 55.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.24 एंड दैट इज गोइंग टू बी 179.82। सो दिस इज 179.82 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब आप क्या करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बता लीजिए, डेसिमल को यहाँ लेके आ जाइए, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 1.7982, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, 1.79 लिख के छोड़ दीजिए, डेसिमल आप इधर साइड लेके आ जाएंगे, पावर इंक्रीज होगा और कितना बन जाएगा माइनस 16। क्या है ये, आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ गई, कितनी 1.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। इसकी यूनिट हमेशा किस में आती है, मोल्स में, मोलर या मोल्स पर लीटर में। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए सी क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की यूनिट, अल्फा की कोई यूनिट ही नहीं होती, तो इसको यूनिट ले से गायब कर दीजिए। इसी की यूनिट आपको आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की यूनिट में भी मिलती है, यानी कि आपको वैल्यू मिल गया कितना, 1.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। आंसर एक बार चेक कर ले, देखिए आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितना आ रहा है, 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, हम लोग को कितना आया, 1.79, हाँ लगभग एक दूसरे के आसपास है, तो बिल्कुल सही है, राइट। हमने इग्नोर किया था ना नीचे की अल्फा की वैल्यू को, इसलिए थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का ऑर्डर सेम है और ये 1.79 है वो 1.9 है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क हमें नहीं पड़ेगा, राइट। ये तो हो गया, अब हमें क्या निकालना है, आयनाइजेशन प्रोडक्ट के डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सी कितना, 55.5 का स्क्वायर इंटू अल्फा कितना आया था, 1.04 1.8 आया था, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 का स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए वैल्यू कितनी आई थी, सब वैल्यू गायब हो गई, खैर देख लीजिए इतना ही आया होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन देख लेंगे ना, 55 का स्क्वायर देख लीजिए कितना आ रहा है, तो आप ना पहले काम करिए, सबको एक ही साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 55.5 इंटू 55.5 इंटू 1.8 इंटू 1.8 दैट इज गोइंग टू बी 99.01 इंटू 9 का स्क्वायर 18, यानी कि 10 टू द पावर माइनस 18। इसको भी सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ होगा सिर्फ 9.998 इंटू
वन टू थ्री स्टेप्स यानी कि 10^-15 ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। यूनिट्स आप देख लें, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती है तो इसको छोड़ दीजिए, ये मोल्स पर लीटर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, यानी कि मोलर स्क्वायर के टर्म्स में इसका यूनिट आएगा। दैट विल बी 9.98 × 10^-15। आंसर चेक कर लीजिए, अच्छा ये वैल्यू भी थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए 10^-14 है, ये कितना 1.09 और हम लोग का वैल्यू कितना है, दैट इज 9.98, यानी कि 9.98 को लगभग हम कितना लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं क्या? अगर हम इसको 10 लिख लें तो 10 × 10^-15 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10^-14, यानी कि लगभग वैल्यू सेम है। हमारी वैल्यू उसकी वैल्यू एग्जैक्ट सेम इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम अल्फ़ा की वैल्यू इग्नोर किए थे, 1 - अल्फ़ा में हमने अल्फ़ा को इग्नोर किया था, इसलिए वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है, बट उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे भी लिख के छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर क्या है, सही रहेगा। राइट, तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अभी आपके चैप्टर में एक और टॉपिक बचा रह गया है, बैटरी, वो कंप्लीट थ्योरी है, हाँ वो पूरी की पूरी थ्योरी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको रटनी भी होंगी, जैसे कि रिएक्शंस वगैरह हैं, उसके रिएक्शंस कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, तो आपको हाँ फिर भी थ्योरी है तो हम थोड़ा सा आपको पढ़ा देंगे, आपको उससे थोड़ी बहुत वैल्यूज उसमें याद रखनी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा और वो पूरी की पूरी थ्योरी है, तब तक आप ये सब कंप्लीट कर लें और आप अपने आंसर्स को भी जो होमवर्क मिला है उसको ज़रूर से मैच कर लेंगे। गड़बड़ कहाँ हुई थी, खैर 1.89 × 10^-9 ये तो सही है। अच्छा अच्छा, हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे 1.89 है और हमने अपने वैल्यू में सिर्फ कितना लिया था, 1.8 लिया था, तो इसलिए थोड़ी सी वैल्यू डेसिमल में वेरिएट कर रही है, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो आज इतना ही, कल हम बैटरी पढ़ेंगे और उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। टिल दैट थैंक यू सो मच।